बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान लाखों रुपए के गांजे के साथ आरोपियों को भी पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल एसपी के निर्देश पर पुलिस को उड़ीसा सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान उड़ीसा सीमा के पास पल सापाली बैरियर की ओर आ रही एक कार में पुलिस को गांजा बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपियों के खिलाफ में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है। बता दें कि ओडिशा सीमा से लगातार मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी, इसलिए नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए एसपी के निर्देश पर ओडिशा सीमा पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। थानाबाग बसना पुलिस द्वारा एक कार I-20 क्रमांक CG04MN1416 में 40 किलो गांजा कीमती 20 लाख रुपए एवं 5 नग मोबाइल 500 रुपए नकदी रकम कुल कीमती 27,66,600 रुपए को 4 आरोपियों के कब्जे से जब्त कर धारा 20 ख नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया, जिसमें से एक नाबालिग आरोपी एक महिला आरोपी है।